हेलो नमस्ते, मेरा नाम है शीतल कावा और आप देख रहे हैं सिनी स्पीक्स चैनल। ससुराल सिमर का सीजन 2 में आगे के एपिसोड में आप क्या देखेंगे, क्या कुछ होगा, सिमर कितना गीतांजलि देवी का जो भी कहेगी वो कितना मान पाएगी, क्या कुछ करेगी, क्या रीमा जो है सिमर के रास्ते में आएगी, ये सारी चीज़ें, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ नहीं जो रीमा चाल चलने वाली है वो आज के एपिसोड में आप देखेंगे। क्या है पूरी खबर वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर दीजिए। जैसे कि अब जो है आपने तो देखा ही रहेगा कि गीतांजलि देवी सिमर को एक चुनौती देती है, जहाँ पर सारे नौकरों का काम उसे करना है। जो 10-12 नौकर संभालते हैं पूरे ओसवाल मेंशन को, वहाँ पर सिर्फ एक अकेली लड़की को करना है काम। ये चुनौती वो स्वीकार लेती है। उसके बाद जो है गीतांजलि देवी रीमा को बोलती है कि सिमर को कल मकर संक्रांति है, सारे जो मोहल्ले की जितनी महिलाएं हैं उसको बुलाओ, सबको बुलाओ और इतना उसको यातना दो, इतनी पीड़ा दो, इतना काम दो कि वो थक जाए करते करते और फिर वो हार मान जाए। ऐसे सारे जो चालें हैं वो भी चल रही हैं। और जहाँ दूसरी ओर सिमर जो है वो गीतांजलि देवी को नाश्ते का समय हो चुका रहता है, सबको नाश्ता देती है। गीतांजलि देवी थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद वो रीमा के पास जाती है और रीमा को नाश्ता देती है और उसको साथ में बोलती है सिमर कि मुझे पता है कि तुम्हें बहुत भूख लगी, तुम्हारे चेहरे से ही पता चल जाए, इसलिए मैं आपके लिए पकौड़े भी लेके आई हूँ। लेकिन जो रीमा है वो मना कर देती है पकौड़े लेने से। उसके बाद जो है गीतांजलि देवी और रीमा के बीच में बातें चलती रहती है। विवान रीमा को बोलता है कि सिमर और मतलब कि भैया और भाभी मेरी मर्जी से इस घर के अंदर आए हैं, अगर तुमने उनको कुछ भी किया तो मैं समझूंगा तुम मेरे खिलाफ़ सब कुछ कर रही हो। या तुम्हें भी डिसाइड करना है कि तुम्हें अपने पति को चोट पहुँचानी है या उनको खुश रखना है। जहाँ साथ ही में गीतांजलि देवी ने सिमर को साड़ी दी हुई रहती है उनकी, जिसको वो धोने के लिए दी हुई रहती है, लेकिन उस साड़ी के अंदर ऊपर रीमा जो है चाय गिरा देती है, जिससे जो दाग है वो नहीं जा पाएंगे आसानी से। तो अब जो है सिमर के रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। ऐसे में कितना कैसे पार करेगी सारे चैलेंजेस को देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। आज का एपिसोड देखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।